एक माह तक चलने वाला मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम डिजाइन विकास कार्यशाला का हुआ समापन। लिटीपाड़ा प्रखंड के ताल पहाड़ी डुमरिया में मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास रांची की ओर से डिजाइन विकास कार्यशाला समापन समारोह आयोजित की गई। कार्यशाला की अध्यक्षता उपायुक्त वरुण रंजन के द्वारा की गई। कार्यशाला में 30 महिलाओं को बाल सिंध प्रोडक्ट के लिए ट्रेनिंग दी गई। उपायुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री कुटीर उद्योग एवं हस्तशिल्प भारत सरकार के संयुक्त प्रावधान में ताल पहाड़ी डुमरिया में एक बाल ट्रेनिंग वर्कशॉप आयोजित किया गया, जिसमें 30 महिलाओं को बांस निर्मित प्रोडक्ट के लिए ट्रेनिंग दी गई। पाकुड़ जिले में बांस से आधारित यहां पर काफी स्कोप है और उसको लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। यहां पर जो भी वर्किंग सेट बनाने का काम कर रहे हैं या छोटे मोटे मशीन को देने का काम किया जा रहा है और आने वाले समय में इनको मार्केट से लिंक किया जाएगा। बैम्बू क्राफ्ट को हम लोग बेहतर कर सकते हैं और उसको हम लोग बेहतर दिशा दे सकते हैं। और अभी आप लोग जो द्वारा बेच रहे हैं सप्लाई करते हैं, मार्केट में जो चीज़ों की डिमांड है उस पर फोकस करते हुए इस काम को दिखाया जाए। 30 महिलाओं को बाइक के रूप में डॉक्टर सदन के द्वारा प्रमाण पत्र दिया। अभी यहाँ पर जो है सो मुख्यमंत्री लघु कुटीर बोर्ड एवं डीसी हैंडीक्राफ्ट्स के संयुक्त प्रावधान में हम लोगों ने बांस प्रायोजित एक ट्रेनिंग वर्कशॉप आयोजित किया था, जिसमें 30 महिलाओं को बांस निर्मित प्रोडक्ट्स के लिए ट्रेनिंग दी गई है। आगे चल करके हम लोग और भी लोगों को इस काम के लिए ट्रेनिंग देने वाले हैं, जिसमें कि यहाँ पर क्लस्टर के रूप में इसको विकसित किया जा सके। पाकुड़ ज़िले में बांस आधारित प्रोडक्ट्स के लिए काफ़ी यहाँ पे स्कोप है और उसको लेकर के हम लोग आगे काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो भी वर्किंग शेड बनाने का काम हो, चाहे टूल किट देने का काम हो या छोटे मोटे मशीन्स देने हो, उन सभी चीज़ों पे काम किया जा रहा है और आने वाले समय में इनको मार्केट के साथ भी लिंक किया जाएगा। यहाँ जो प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे, डीसी हैंडीक्राफ्ट की तरफ से हम लोगों को आश्वासन भी मिला है कि यहाँ पे जितने भी हमारे आर्टिजन्स हैं, इन सभी को जो भी केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के जो मेला होते हैं उसमें लोग जाएंगे, उसके लिए TADA का भी उनको दिया जाएगा और इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको वहाँ पे स्टॉल्स पे लगाया जाएगा। साथ ही साथ जो यहाँ पे इच्छुक लोग होंगे उनको फर्दर स्पेशलाइज ट्रेनिंग के लिए त्रिपुरा में जो बैम्बू और क्राफ्ट का इंस्टीट्यूट है वहाँ भी हम लोग भेजेंगे, ताकि उन लोग इसमें और स्पेशलाइज होकर के आ सके। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में लिट्टीपाड़ा, जो हमेशा से ही बांस उद्योग के लिए फेमस रहा है, उसको हम लोग एक न्यू डायरेक्शन में ले जा सके और जो लेटेस्ट हैंडीक्राफ्ट्स है उसमें ये अपनी पहचान। स्किल्ड वर्क करें, उससे वैसा प्रोडक्ट बनाएं जो आपको छोटा देखने में लगेगा पर आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा दे सकेगा, उनका मार्केट में डिमांड भी है। तो ये जो कार्यक्रम है ये प्रथम स्टेज है कि किस तरह से हम लोग आपको इस तरह के जो नए प्रोडक्ट्स हैं आज के जमाने में उसमें आपको इंट्रोड्यूस कर सके, किस तरह के प्रोडक्ट्स को बनाना है, इसके लिए जो हुनर चाहिए, जो कला चाहिए, आप उसको सीखिए, उसका प्रशिक्षण लीजिए और साथ ही साथ इन चीजों को बनाना शुरू करिए। आगे चल करके अभी 30 लोग यहाँ पे प्रशिक्षित हुए हैं, हम लोग चाहेंगे कि हम लोग इस पूरे गांव को या पंचायत को या आस पड़ोस का एक क्लस्टर और साथ ही साथ उनको उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग डिस्ट्रिक्ट के फंड से प्रोवाइड करेंगे। आपको कोई मशीनरी चाहिए होगा, आपको कोई टूल किट चाहिए होगा, वो हम लोग प्रोवाइड करने को तैयार हैं डिस्ट्रिक्ट के फंड से, ताकि लोगों को रोजगार भी मिल सके, एक आय भी बढ़ सके। और लिट्टीपाड़ा जो आज तक हमेशा से एक पॉपुलर रहा है कि यहाँ पे बांस का काफी प्रोडक्शन होता है, यहाँ को एक नई पहचान दिला सके। और साथ ही साथ मैं डीसी हैंडीक्राफ्ट के ऑफिस को और साथ ही साथ मुख्यमंत्री लघु कुटीर बोर्ड को भी कहूंगा कि आप लोग एक ज्वाइंट प्रपोजल बनाइए कि क्या क्या चीज हम लोगों को देना है, ठीक है, कितने लोगों को ट्रेनिंग देना है, ट्रेनिंग का ठीक है अगर जो आप लोगों के डिपार्टमेंट से हो सकता है उन चीजों की प्रपोजल आप डिपार्टमेंट से करवा लीजिए, और जहां पे जो गैप है जो डिपार्टमेंट के थ्रू नहीं हो सकता है या बहुत ज्यादा समय लगना है तो उन चीजों को हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल से टेकअप कर लेंगे, ताकि लोगों को हम लोग जल्दी से जल्दी हम लोग दे सके। और अगले 6 से 7 महीने में हम लोग यहाँ पे एक कमर्शियल प्रोडक्शन का हम लोग शुरू कर सके।
क्योंकि 30 लोग हैं अच्छा है, पर जब तक 150-200 लोग इस चीज में इंगेज नहीं होंगे तब तक मुझे लग वो 4-5-10 लेने के लिए नहीं आएगा। इस चीज को आप लोग को भी समझने की जरूरत है। आप लोग के जब धान बेचते होंगे तो क्या 10 बोरा लेने के लिए आता है कोई? भूख जिंदा है पर एक और भूख भी जिंदा है, ये है रॉबिनहुड आर्मी के कर्मठ रॉबिन, और इनमें भूख मिटाने की भूख जिंदा है। ये ऐसे भाव से अपने अपने शहरों में घरों होटल या रेस्टोरेंट से बचा हुआ खाना इकट्ठा कर अपने ही शहर में किसी जरूरतमंद के साथ बांटते हैं। तो आइए हम और आप भी रॉबिनहुड आर्मी से जुड़ जाएं। अरे आज क्लास दीपू के रूम में? हाय मैम, कल रात से इसको पेट दर्द है तो सोच। क्या फाइन, स्टमक इन्फेक्शन निकला तो देखते हैं, नहीं तो पास वाले केमिस्ट से दवाई मंगवा लूंगी। हेलो, सवाल इसकी हेल्थ का है, जवाब एक्सपर्ट से पूछ लें, जैसे मुझसे वीडियो कॉल कर रहे हो वैसे प्रैक्टो पे डॉक्टर से कर लो। गुड बाय डाउट्स, से हेलो टू टॉप डॉक्टर्स ऑन प्रैक्टो वीडियो कंसल्टेशन 24/7। हेलो डॉक्टर, फिर प्रिस्क्रिप्शन पे लिखी दवाइयां ऑर्डर करें और बुक करें लैब टेस्ट या अपॉइंटमेंट। प्रैक्टो, डाउनलोड द ऐप। कास्ट 24 पे खरीदो 140 प्लस क्वालिटी चेक से गुजरी कार। कास्ट 24, अ होल न्यू वर्ल्ड ऑफ कार्स। वेलकम, यू've नेवर नोन। वेलकम टू अ जर्नी यू've नेवर इमेजिनड। वेलकम टू अरेबिया, सऊदी।